सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार जी। इसकी वजह यही है कि सीखना थोड़ा सा बाद में शुरू किया और भजन गीत गजलें सुनना पहले शुरू कर दिया था। मुझे याद है जब से मैंने होश संभाला है तब से सुबह सुबह अनूप जलोटा जी के भजन हम सुनते थे, लता जी के भजन अभी भी सुनते हैं, पंडित भीमसेन जोशी जी, पंडित जसराज जी, सबके सुरीले सुमधुर भजनों ने हमें समय से उठाया है। स्कूल के लिए हम तैयार होते थे और फिर कोई नई जैसे गज़ल का एल्बम आना मार्केट में तो उसका कैसेट ज़रूर हमारे घर पे आता, तो उसको सुनना, दिन दिन सुनना, तो सुनने का बहुत शौक था और चलता था। मेरे फादर गाते हैं बहुत अच्छा, तो एक संगीत का थोड़ा सा माहौल घर पे था तो सुनती थी अलग अलग कलाकारों को, सुन के बहुत अच्छा लगता था। तो शुरुआत तो ऐसे सुनकर ही हुई और फिर उसके बाद फिर शास्त्रीय संगीत की मेरी शिक्षा शुरू हुई। बचपन की कुछ बड़ी ही सुरीली यादें हैं। मुझे याद है कि मैं 3.5-4 साल की थी तो एक स्टडी टेबल होता था हमारे घर पे, उसके नीचे मैं जाके छुप के बैठ जाती थी, टेप रिकॉर्डर लेकर आती थी अपने साथ और अपनी मनपसंद कुछ कैसेट्स इकट्ठे करके ले आती थी, आराम से वहाँ बैठकर सुनना और साथ में उसके गुनगुनाना। तो ऐसे ही शुरुआत हुई। गंधर्व मैं काफ़ी बाद में गई जब मैं कुछ 6-7 साल की थी और वो भी हम सीखने के लिए हमारे घर पे गुरु आती थी, तो उस समय श्रीमती विदुरा साठी जी हमें घर पे सिखाने आती थी और एक श्रीमती खांडेकर जी थी वो भी सिखाती थी, तो एग्ज़ाम देने के लिए हम गंधर्व जाते थे। घर पे तो शुरू से संगीत का माहौल है और पिताजी खुद भी गाते और हम भी गाते, तो ऐसा गाना बजाना का माहौल था। और इसके अलावा स्कूल में भी म्यूज़िक ग्रुप में गाना और उसमें इतनी हमारी तैयारी होती थी, इतनी लॉन्ग आवर्स ऑफ प्रैक्टिस होते थे, कई बार हम स्टे बैक भी करते थे और खूब देर तक बैठना, बैठकी लगाकर गाना, वो स्कूल में बहुत बचपन से सीखा। तो मिसेस बैनर्जी जो हमारी मिसेस पूर्वाई बैनर्जी जो स्कूल की म्यूज़िक टीचर हैं उनसे बहुत सारी मैंने चीज़ें सीखी, क्लासिकल की अलग अलग रागों की बंदिशें वो सिखाती हैं, उनको बहुत शौक था अलग अलग राग में भजन सिखाना, स्तोत्र सिखाना। फिर बाद में कॉलेज में जब मैंने ड्राइविंग सीखी तो उस समय खुद ड्राइव करके हम जाते थे और फिर वहाँ का जो माहौल होता था वो देख कर उसमें सबके साथ मिलकर बैठना, सीखना सलीका पूरा, तो वो सीखा और
रियाज की इम्पोर्टेंस जो थी वो बाद में चलकर आई। वहाँ पर मणिकुंतला भौमिक जी हैं जिनसे हमने सीखा, और भैया जी मधु मुदगल जी, उनसे भी बहुत मैंने गाइडेंस ली। उन्होंने भी मुझे, भैया जी ने बहुत चीज़ें बताई, सिखाई। चाहे भजन, गज़ल, या जैसा आप कह रहे हैं कव्वाली, सबकी ऑडियंस शुरू से रही है। और ये संगीत के जितने भी हमारे संगीत के जॉनर हैं, इनकी लोकप्रियता शुरू से रही है। तो ये कहना कि वो बढ़ गई है, उसमें हो सकता है कि गाने वाले कलाकार बढ़ गए हों, पर संगीत तो उतना ही पॉपुलर है, उतना ही लोकप्रिय है जितना पहले था। और इसको पॉपुलैरिटी इस तरीके से देखा जा सकता है, बड़ी है कि
इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा नए कलाकार आ रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा प्रयास कर रहे हैं, तो बिल्कुल इसकी लोकप्रियता कलाकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बड़ी है, पर श्रोताओं ने तो शुरू से इसको पसंद किया है। कोई भी जॉनर हो, चाहे ठुमरी, दादरा, टप्पा, चैती, लोग बड़े चाव से सुनते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।